हेलो दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आरपी सिंह स्टडी पॉइंट पर। आज का टॉपिक भारत की भौतिक संरचना की बात करेंगे। भारत भौतिक संरचना के तौर पर भिन्न भिन्न रूप लिए हुए हैं। कहीं पर्वत श्रेणियां हैं तो कहीं मैदान है, तो कहीं पठार है, तो कहीं डेजर्ट है, तो कहीं तटीय मैदान है, तो कुछ द्वीप समूह है। इन सबको ध्यान में रख करके मोटे तौर पर हम भारत को चार भागों में बांटेंगे। नंबर एक, उत्तर भारत की विशाल पर्वत श्रृंखला। नंबर दो, उत्तर भारत के महान मैदान। नंबर तीन, प्रायद्वीप पठार तथा नंबर चार, तटीय मैदान तथा द्वीप समूह की चर्चा करेंगे। इनमें हम उत्तर के विशाल पर्वत श्रृंखला, उत्तर के महान मैदान तथा दक्षिण के प्रायद्वीप पठार की चर्चा कर चुके हैं। आज हम तटीय मैदान तथा द्वीप समूह की चर्चा करेंगे। तटीय मैदान का निर्माण कैसे हुआ इसकी चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं तटीय मैदान। तटीय मैदान की बात कर रहे हैं, भारत का प्रायद्वीपीय पठार देख रहे हैं आप। ये जो प्रायद्वीप पठार है, जब बना था तब इसकी संरचना कुछ और थी। समय के साथ साथ मैंने बताया कि इस पर परिवर्तन आए, समय के साथ साथ इस पर परिवर्तन आए। इन परिवर्तनों का परिणाम है तटीय मैदान। कोस्टल प्लेन के निर्माण की हम बात करें तो हम पहले क्या कर लेते हैं, इन्हें देख लेते हैं, दो भागों में बांट लेते हैं। नंबर एक, पश्चिमी तटीय मैदान, और नंबर दो, पूर्वी तटीय मैदान। ये पश्चिमी तटीय मैदान हो गया और ये पूर्वी तटीय मैदान हो गया। अगर हम पश्चिमी तटीय मैदान की बात करें, पश्चिमी तटीय मैदान, तो इसके निर्माण की बात करेंगे। इसका निर्माण कैसे हुआ होगा, इसका निर्माण सागरीय तरंगों द्वारा अपरदन, इरोजन, सागरी तरंगों ने काटा होगा। नंबर दो, नदियों द्वारा अपरदन। इस तरह से पश्चिमी तटीय मैदान का निर्माण हुआ है। ओवरऑल इस मैदान का निर्माण अपरदन के कारकों ने किया। सागरी तरंगे अपरदन करने वाले कारकों में से एक है, नदियां अपरदन करने वाले कारकों में से एक है। अर्थात सागरीय तरंगे और नदियां अपरदन करने वाले कारक है, इरोजन करने वाले कारक है, एलिमेंट है ये। इन्होंने पश्चिमी तटीय मैदानों को काटा, क्या किया इन्हें, काटा, और काट करके मैदान का निर्माण कर दिया। पूर्वी तटीय मैदान की बात करें, तटीय मैदान और इसके निर्माण की बात करें, तो इसका निर्माण कैसे हुआ, इसका जो निर्माण हुआ है वो किससे हुआ, निक्षेपण से हुआ। निक्षेपण नदियों द्वारा लाए गए मलबा के जमाव से हुआ। यहां नदियों द्वारा लाए गए मलबा के जमाव से क्या हो गया, पूर्वी तटीय मैदान का निर्माण हुआ। तो इसका निर्माण किससे हुआ, अपरदन द्वारा, और इसका निर्माण किससे हुआ, निक्षेपण द्वारा, इरोजन, डिपोजिशन। इन मैदानों का क्षेत्रीय नाम क्या है, जो तटीय मैदान है उनके हम क्षेत्रीय नाम की बात करेंगे। तो सबसे पहले क्षेत्रीय नाम में पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान में
नंबर एक, नंबर एक गुजरात से लेकर के, गुजरात से कहाँ तक? गोवा तक। गोवा तक क्या नाम है? यहां बोलेंगे इसे कोंकण तट, कोंकण तट बोलेंगे। नंबर दो, चित्र में दिखा देता हूं मैं, देखिए यहां, यहां ध्यान दें, मैप में दिखा देता हूं। यहां से शुरू करो और ये, और ये क्या है? कोंकण तट है, बोलिए कोंकण तट बोलिए केवल, बस ठीक है। फिर गोवा से कहाँ तक? मंगलोर तक। देखिए कर्नाटक बोले ना भाई, गोवा से मंगलोर तक, ठीक है, गोवा से मंगलोर तक क्या बोलेंगे इसे? कन्नड़ तट बोलेंगे, कन्नड़ तट। देखिए ये कन्नड़ तट है, कन्नड़ तट, उसका मंगलोर से और कन्याकुमारी तक या कुमारी अंतरीप तक कहाँ से? नंबर तीन, नंबर तीन मंगलोर, मंगलोर से कन्याकुमारी, मालाबार तट, मालाबार तट, ये मालाबार तट है। ये मालाबार तट है। इस तरह से पश्चिमी तटीय मैदान कितने भागों में बांट दिया हमने? कोंकण तट, कन्नड़ तट, मालाबार तट। कोंकण तट गुजरात से लेकर गोवा तक, ये देखिए गुजरात से लेकर गोवा तक कोंकण तट, उसके बाद कन्नड़ तट, गोवा से मंगलोर तक, गोवा से मंगलोर तक कन्नड़ तट, और मंगलोर से कन्याकुमारी तक मालाबार तट। कन्याकुमारी लिखा हुआ आ सकता है, कुमारी अंतरीप लिखा हुआ आ सकता है, केप कैमोरिन लिखा हुआ आ सकता है, तो आप कंफ्यूज ना हो, तीनों पॉइंट एक ही हैं। देखिए तो ये हो गया पश्चिमी प्लेन के क्षेत्रीय नाम, वेस्टर्न प्लेन के क्षेत्रीय नाम देखिए आपने, पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान, क्षेत्रीय नाम, क्षेत्रीय नाम देख रहे हैं हम। नंबर एक, नंबर एक बोलेंगे उत्कल, उत्कल का मैदान, उत्कल का मैदान कहाँ से कहाँ तक है? ये गंगा के मुहाने से कहाँ तक? गंगा के मुहाने से स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा नदी तक, उत्कल का मैदान है ये, यहां से लेकर के यहां तक उत्कल का मैदान। उसके बाद उत्कल का मैदान हो गया। नंबर दो, नंबर दो उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार महानदी
मुहाने से कृष्णा मुहाने तक, देख रहे यहां पर महानदी है, यहां पर महानदी है, महानदी, और यहां कौन है? कृष्णा। अब ये वाला एरिया क्या कहलाएगा? उत्तरी सरकार कहलाएगा। फिर उसके बाद यहां से लेकर के और ये क्या है यहां पर? कावेरी, कावेरी। नंबर तीन कोरोमंडल तट कहाँ से कहाँ तक है? कृष्णा मुहाने से कावेरी मुहाने तक। क्या हो गया? कोरोमंडल तट हो गया। ये देखें आप, कोरोमंडल तट नाम लिख देते हैं इसका, कोरोमंडल तट। ये हो गए इसके क्षेत्रीय नाम। तटीय मैदान में कुछ विशेषताएं हैं तटीय मैदान की। ये विशेषताएं क्या हैं? हम इनकी बात करेंगे। विशेषताएं क्या हैं? तो विशेषताओं में पहले किसकी बात करें हम? पश्चिमी तटीय मैदान, और फिर किसकी बात करेंगे? पूर्वी तटीय मैदान। ये एक तरह से तुलनात्मक अध्ययन भी होगा, हम दोनों को कंपेयर करते हुए भी देख रहे हैं। यहां पर पश्चिमी तटीय मैदान की विशेषता यह है कि इसका जो निर्माण हुआ है यह अपरदनात्मक क्रिया द्वारा बना है, क्रिया द्वारा निर्माण हुआ। वहीं पूर्वी तटीय मैदान को देखते हैं, इसका निर्माण निक्षेपणात्मक क्रिया द्वारा हुआ। देख रहे हैं, निक्षेपणात्मक क्रिया द्वारा। ये पश्चिमी तटीय मैदान ये संकीर्ण है। संकीर्ण मतलब पतले, ज्यादा चौड़ाई लिए हुए नहीं है, जबकि ये क्या है? ये चौड़े हैं, चौड़े मैदान है। ये देखिए आप, पूर्वी तटीय मैदान चौड़े मैदान है।